अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर यास्मीन खान। तो गाइस, सारी बात करने से पहले सबसे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो रेसिपी में सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो मटन बोटी। अब पाव किलो मैंने मटन का कीमा लिया। आप कीमा स्किप कर सकते हो, बट मुझे इस पुलाव में कीमा पसंद है, इसके लिए मैं इसमें कीमा भी डाल देती हूँ। और एक बड़ मतलब 3 से 4 प्याज है, आपके टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है, और तेज पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, अखा धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट का। और मैंने तड़के के लिए इसमें यूज़ किया है करी पत्ता, नींबू, हरी मिर्ची, और इसमें चावल है, दूध है, बटर है और कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है। ये टोटली बेस जो पुलाव है ये बटर और मिल्क पर है, इसका जो सारा स्वाद है बटर और मिल्क पर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बना लेंगे मसाला यखनी। हमारी मसाला यखनी में जीरा, काली मिर्च और सौंफ और धनिया जाएगा। इसको हम 1 गिलास पानी के साथ पकाएंगे, जब तक वो हाफ ग्लास नहीं हो जाता है, वो अपनी हाफ क्वांटिटी में नहीं हो जाता है तब तक हमें उसे पकाना है, ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से उसका अरोमा, उसका फ्लेवर उस पानी में आ जाए, फिर हम वो पानी पुलाव में यूज़ करेंगे। तो गाइस, पकने के बाद ये पानी कुछ ऐसा आएगा, इससे लाइट कुछ कलर कुछ लाइट भी हो सकता है, कुछ डार्क भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर अपना यखनी बनाने जा रहे हैं, मटन यखनी। इसमें हम डाल रहे हैं मटन, जो मैंने आपको बताया था, हाफ के जी, और 1/2 किलो कीमा है। तो ये फ्रोज़न कीमा है गाइस, इसको मैंने डीफ्रोज नहीं किया, एमरजेंसी में निकाला। तो अभी आप कहोगे कि ये तो यहाँ से तो कहीं हाइजीन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं बाज़ार से मटन और चिकन ख़रीदती हूँ, तो मैं उसको तुरंत साफ़ करके 5-6 पानी से धो के अलग अलग डब्बों में रख देती हूँ, कि मैं एक डब्बा निकालूँ और बना लूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है डीफ्रोज करने का तो मैं डायरेक्टली बना लूँ, इसके लिए मैं धो के रखती हूँ। अब इसमें मैंने डाला है अखा कांदा, अखा लहसुन और अखा अदरक, हरी मिर्ची, और जो भी मेरे खड़े मसाले जो मैंने अभी आपको बताया है वो सब मैंने डाला है। और मैं इसकी टोटल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगी, तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ से भी देख लेना। तो ये मेरा गोश्त तो उबल चुका है, अब इसमें से मैंने अदरक और लहसुन रिमूव करना है, क्योंकि ये पुलाव में नहीं जाएंगे। बाकी प्याज और हरी मिर्ची, प्याज तो उसमें गल गई और हरी मिर्ची भी वैसे ही जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम के पतीले में थोड़ा सा तेल डाला है, क्योंकि जब हम बटर डालेंगे तो हमारा बटर जलने का इम्कान रहेगा, इसके लिए मतलब थोड़ा सा तेल, और अप्रोक्सीमेट 100 ग्राम तक इसमें मैंने बटर डाला है। आप जितनी ज़्यादा बटर की क्वांटिटी रखेंगे आपका उतना ही रहेगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि दूध भी ज़्यादा डालना, क्योंकि जो पानी का लेवल रहेगा दूध तो वहीं तक रहेगा। तो उसमें बटर में मैंने यहाँ पर डाला है करी पत्ता, और करी पत्ता हल्का सा थोड़ा सा मतलब हो गया, उसका फ्लेवर आ गया, तो मैंने उसमें हरी मिर्ची और नींबू कट करके डाला। ये मेरा अखा पूरा 1 नींबू है, और इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद हल्का सा, जैसे मिर्ची पे वो एक दाग हल्का चित्ती चित्ती आ जाता है, वैसा दाग आने के बाद मतलब फिर मैंने इसमें जो मेरे चावल थे भिगाए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आधा घंटा पहले ही उसको धो के रखे थे, और उसका पानी रिमूव करके वो चावल में इसमें डालूँगी। और चावल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी गाइस, क्योंकि इसमें चावल में भी थोड़ा अच्छे से बटर, नींबू, ये सब का फ्लेवर आना चाहिए। और चावल जो है हमारे थोड़ा भीगे हुए, तो आप थोड़ा स्लाइडली हल्के हाथ से इसको मिक्स करें, अदरवाइज़ ये टूटने का डर होगा। और गाइस, ये तो मेरे रेगुलर ही चावल थे, मतलब मैंने इसके लिए कोई स्पेशल चावल नहीं लिए थे, जो मैं डेली खाती हूँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लंबे लंबे ही चावल हैं, तो ये मेरे डेली यूज़ के चावल है, ये मैंने बनाया है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी जो मेरी मटन की यखनी थी, जिसमें से मैंने अभी अदरक और लहसुन को रिमूव किया है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो वो अभी दिखने में कुछ ऐसा है, मैंने इसको कुकर से पलट लिया है, तो अभी ये इसमें ये जाएगा। और वो जो हमारा मसाले का यखनी था जो हमने बनाया था, बॉईल किया था मसाले का, उसमें से भी हमने इस उसको मतलब मसाले को स्ट्रेन करके मसाला फेंक दिया, उसका तो काम हो चुका था। और इसके बाद उसमें मतलब ये उसका पानी है,
ये डाल रही हूँ। अब गाइज इसमें बारी है पानी डालने की, तो अभी जितना हमें पानी लगेगा ना, तो हमें पानी नहीं डालना है, हमें उतनी क्वांटिटी में इसमें दूध डालना है। मतलब आपके चावल में जितना पानी लगने वाला है, आप उसकी जगह पे इसमें उतना दूध डालेंगे और सॉल्ट टू टेस्ट डाल के इसको पकाएंगे। तो ये मेरा बॉईल आ चुका है, और बॉईल आने के बाद आप देख सकते हैं मेरे चावल थोड़े से लंबे हुए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अभी ये दम पे जब रखेंगे, पकाए जाएंगे, तो ये थोड़े से और लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अब बारी आ गई है दम पे रखने की। तो आप चाहें तो इसमें एक हैवी बॉटम के तावे पर इसको रख सकते हैं कुछ 15 से 20 मिनट अप्रोक्सीमेट। और मैंने भी रखा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पुलाव थोड़ा नीचे से जल रहा है, तो मैंने इसको रख दिया था। मतलब जला नहीं था, हल्का सा लग चुका था तले को। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा पुलाव बन चुका है, आप भी एक बार बनाएं और उसके बाद मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपका पुलाव कैसा बना था। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखना।